हमारे ऑफिस में आई हुई हैं दो महिला, और क्या समस्या है, क्या बात है कि महिला पूछते पूछते मेरे यहाँ आ रही हैं। इन महिलाओं से मैं पूछती हूँ कि क्या बात है जो मेरा नाम पूछ के आप मेरे घर पर पहुँची हो। इन महिलाओं से मैं पूछती हूँ इनके मुँह से बात, बताइए आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम आरती है। आरती, तो क्या तकलीफ है जो आप मेरा नाम पूछ कर रही हैं? हमारा ये तकलीफ है, हमको ये परेशानी है कि हमारे भाई की एक लड़की थी जी, उसका कारण हो गया है जी। 9 साल की बच्ची थी, नाम उसका मुस्कान है जी। उसका कारण हो गया है और 19 जनवरी को जी शाम के 6:15 जी मध्य मंगलवार को जी उसका कारण हुआ है। हमारे भाई के दोस्त ने लड़की ले गया जी, और हमारे भाई के घर वो बराबर आता जाता था जी। हमारे भाई ने पहचान कराया था जी कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है जी। हमारे भाई ने उससे पहचान कराया जी, अपने दोस्त से पहचान कर भाई पहचान हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बहन, मेरी बहन यही आता जाता हाँ। हमारे भाई ने बताया कि मेरी बहन है, यहाँ रहती है, अपने 3 बच्चों को पढ़ाती है और काम करती है, कपड़े झाड़ पोछा। हम रिशु यहाँ काम करते हैं, प्रीत साड़ी सेंटर। जब लॉकडाउन में काम बंद हो गया दुकान का, तब हम झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे थे दुकान पे, हमारा खर्चा नहीं चल रहा था जी। 3 बच्चों को हम बहुत मुसीबत से पालते हैं जी। हमारा आदमी एक्सपायर हो गया जी। लड़की ले जाने के बाद हमने थाना पे घर पहुँचा, घर से बच्चे पहुँचाने गए थाना पे जी। थाने पे गए तो थाने वाले ने पूछा ये कौन है कौन जी। हमारी छोटी भाभी ने बताई कि हमारी छोटी बड़ी ननद जी। तब ननद वो बोला कि दरोगा वहाँ के बोले दरोगा पुलिस की तुम यहीं बैठो, जब तक नहीं कहेंगे तब तक तुम यहाँ से कहीं जाना मत। हम वहाँ बेखटक बैठे पूरा 24 घंटे से ज्यादा, सदर में ले आ गए हमको, पहचान कराए लड़की से अपने साथ, पहचान करा कर ले आए। लड़की हॉस्पिटल से निकली तब भी पहचान कराए। लड़की अब बयान देती कि जो ले गया लड़का हमको उठाकर हमारी बुआ से बात कर रहा था जी, और हमसे उससे कोई बातचीत नहीं जी। इसके बीच में हम अपने देवर से बात किए जी, और हमारे दरोगा पुलिस ने बोला कि तुम देवर से अपने क्यों बात करती हो। हमने कहा कि हमारा लोग का बात पारिवारिक है, हम लोग अपना बातचीत करते हैं, तो बोला उसे बुलाओ बुलाओ पहचान कराएंगे। अब हमारा देवर आया 21 तारीख जब फोन पे फोन दरोगा पुलिस ने करवाया, हमने बुलाया, वो काम छोड़कर आए। वो काम करते हैं पलंचन का काम करते हैं, वो जबरदस्ती बुलाया गया आए, और उसके बाद बुलाने के बाद फंसा दिया गया कि यही लड़का है। लड़की काला जैकेट काला आदमी देखकर बोल दी कि यही आदमी हमारे साथ गलत काम किया वीडियो कॉलिंग से। अब बताइए हम लोग लड़का बनारस में, हम जौनपुर में, लड़की मछली शहर में। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम बर्बाद रो रो कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा कार डिटेल निकाल लीजिए, लोकेशन निकाल लीजिए, हमारा देवर गलत नहीं किया है। पुलिस दरोगा कह रहे हैं कि इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहिए, आप तो जाओ वहीं जेल में इंसाफ मांगना, यहाँ नहीं मिलेगा। मछली शहर थाने पे आप गई थी? हाँ, मछली शहर थाने पे हम गए थे। तो मछली शहर थाने पे गई तो वहाँ के यशो साहब से आपसे बात हुई? हाँ, बड़े वाले जो दरोगा है जी, उनसे बात हुआ, बोला तुम इतने गंदा काम कराई हो अपने देवर से, और इतना रो रही हो, झूठ बोल रही हो माधवचोद। अच्छा। हाँ, ऐसे करिया कर हमको बोले। अच्छा। अब हम एक बार नहीं 1000 बार कर रहे, हम गलत काम नहीं किए तब भी हमें जबरदस्ती कर रहे हैं, और हमको इस सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम सुनने बस भाग गया है। हमको बगल वाली चाची ने, राजेश जायसवाल के यहाँ काम करते हैं शादीगंज में, अपने घर के 4 घर बगल में जी, वो चाची ने रात के हमारे पास फोन किया, हम खाना खा रहे थे, खाना छोड़ दिए दिन मंगलवार रात में जब अपहरण हुआ, 8:30-9 बजे के करीब में फोन की थी चाची, बोली आती ऐसे ऐसे तुम्हारे घर घटना हो गई है। हम कहे चाची ऐसा हमारे घर घटना ना हो, कहते नहीं आती हो गई है, आप कब बहू आती उनके तो चाची और सुबह आए थे। अपहरण जो किया आपको आपकी भाभी जो थी, हाँ भाभी की वो लड़की है? हाँ, हमारी भाभी तो की लड़की। भाभी के घर कौन कौन आता जाता था? हमारे भाई का दोस्त आता जाता था, हमारे देवर के शकल के। अच्छा, आपके देवर के शकल के आपके भाई का दोस्त आता जाता? हाँ।
तो वो वही आपके भाई के लड़की को लेकर गया। हाँ, हमारे भाई के लड़की को वही लेकर गया, वही रेप किया है। इतना गंदा है काम। और वो बाहर है? हाँ वो बाहर है। और जो रेप नहीं किया वो जेल में? वो जेल में है। हम एक बार डीएनए जांच हुआ था? कुछ नहीं, जांच पड़ताल कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्ट बंद कर दिया गया थाने में। हमें महिला थाने में बंद किया गया था 4 दिन तक के, और 2 दिन हम यहाँ मछलीसर थाना में थे। उसकी जांच कुछ नहीं? कुछ नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं। 24 तारीख को चालान किया गया है। बिना जांच के ही भेज दिए? हाँ, हमारी भाभी उस समय पहचान की कि हम लड़का को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, हेलमेट लगा कर आया था। और 13 मिनट हमारी भाभी से बात भी किया था वो। हमारी भाभी उस समय कहीं नहीं जानते, जब हमारा देवर पकड़ा गया तो कह रहे हैं कि हाँ यही है, यही जबरदस्ती। पकड़े जाने के बाद वो बोले कि यही है? हाँ, जबरदस्ती बोल रही है कि यही है, यही है। अब हम अपने भाभी से एक बार नहीं 10 बार बात करते हैं, कह रहे हैं चक्कू मार देंगे, छुरी मार देंगे। अब बताइए हम यहाँ आए, मछली साहब आपको डांट को भगा दिए? हाँ, हमको भगा दिए, बोल रहा है तुम्हें छोड़ दिए हैं, तुम बहुत बात कर रही हो, तुम्हें भी धारा लगाकर बंद कर देते तब समझ में आता है, बच्चों के नाते तुम्हारे छोड़ दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं? हमारे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। आपका जीने खाने का सहारा? हमारे जीने खाने का सहारा कुछ नहीं है, इसीलिए हम अपने ससुराल में, हमारे बूढ़े सास ससुर हैं, हम अपने बच्चों के आदमी खत्म हुए। एक बार 2017 में हमारे आदमी खत्म हुए हैं 2 नवंबर को। 2018 में हम यहाँ आए हैं एडमिशन कराने के लिए, बच्चों को कमाकर खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, कि हमारे सास ससुर बुढ़ापा है, कितना काम करेंगे, कितना पढ़ाएंगे, खिलाएंगे। इसीलिए हम मछली शहर में आए थे छोटे भाई के साथ अपने। देखिए ये महिला बता रही है कि हमारे जो भाई का दोस्त है वो भाई इनके भाई के घर आता जाता था, वो लड़का, और वही लड़का इनके भाई के लड़की को, 9 साल की लड़की है उसी, वो ले गया और उसके साथ रेप किया। लड़की कहाँ मिली थी? लाजीपाल नहरा के पास। लड़की लाजीपाल नहरा के पास मिली थी, और बिना जांच किए ही, डीएनएस जांच करवाए ही एसओ साहब ने बता रही हैं कि वो जेल भेज दिए। और उसका दो हम शकल, एक आदमी था जैसे इसके देवर का शकल था वैसे उसका शकल था, देवर के जेल भेज दिया गया और जो अपराधी था उसको बाहर कर दिया गया। एक घटना है। आइए इनकी माता जी से, माता जी आप बताइए। बताओ थे मैडम साहब कि हमें लेके और हमार पतो हमार बेटवा लेके याद ये लड़के हमारे घर आवत जा रहा। अच्छा, गाड़ी चलावत रहा है, दूर दूर से दोस्ती भा रहा है, लॉकडाउन में हमारे बेटा गाड़ी निकाल रहा है ऑटो रिक्शा, तो किस्त वाले आवत रहा है ना, किस्त ना जमा कर पाए तो उसी कहें कि हमार लोन करवाए दे, लोन करवाए दे, तू लोन करवाए से तो कहें कि हम पैसा दे हमार लोन करवाए, तो लोन ना भरा वही के नाते मार झगड़ा दोनों जने में पैसा बदेंगे। आपके बेटे से, आपके बेटे के दोस्त से? हमारे बेटे से और वो लड़का से, और हमार बेटा अपन हमार पसोर गए रही और हमें ले जाए गए, 3 मनई खाली गए रहे मैडम साहब, और हम अपने घरे में केहू से कहे ना, हम गुड्डू चरना के हाथा में रहे, और झगड़ा मार होते होते नहरा के पास वहर झगड़ा किएस और कहस की धमकी दिवस 5 दैया धमकी देस की बच्ची हमें परेशान दिन करा, हमारी इज्जत हिल लूट गया, हमारे गांव में ऐसा झगड़ा दिन करा, अंत चला गया झगड़ा, और वो हमहू उन्हीं छुड़ाए, हमहू तो कहे चाची मने कह जाए, तब झगड़ा किए मार किए उसे। नहीं तो हम ये पूछ रहे हैं उस लड़की को कौन ले गया? वो लड़की के इधर जहाँ दोस्त आवत रहे वो नहीं ले गए। तुम्हारे बेटे का दोस्त? हाँ, मेरा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राम कुमार। राम कुमार। आगे? आगे उनके बाप का नाम बबई राम कुमार, पिता का नाम बबई। हाँ, रहने वाले कहाँ का है? उवारी नहरा। उवारी नहरा। हाँ, बरई पार्क। तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? पूछत मैडम साहब आपका नाम मैं पूछते रातों दिन परेशान, बिना गुना का मार खिलाती है, पतो गरियाती है 6 महीना से, अपनी गलती बेटवा पतो एहसास ना करते हैं कि हम मार किए कि झगड़ा किए। माई है, घटना है शादीगंज। हाँ, शादीगंज में है, घटना जनवरी की घटना है। हाँ, 19 जनवरी की। 19 जनवरी की। और हमारे पूरा परिवार के पता नहीं है। माँ बेटी ने दोस्त
फंसाई जा रही है। पूरा परिवार निर्दोष है, आदमी मर चुका है और इनके पिताजी हैं किसी काम के नहीं, बुढ़े हो चुके हैं। महिला अपने बच्चों को लेके मजदूरी धतूरी करके झाड़ू पोछा करके ये अपना जीवन यापन करती है और इसका एक देवर है उसको फंसा दिया गया और जो निर्दोषी था उसको जेल भेज दिया गया। जो गलत किया वो बाहर घूम रहा गुंडागर्दी कर रहा है, वो जो नहीं गलत किया वो बेचारा जेल कर रहा है। ऐसी अत्याचार अब जब हम कहते अत्याचार नहीं हो तो अच्छा।